हमारे सीनियर लीडर चिंता करते हैं कि वो जो नए नंबर में आ रहे हैं अपने पास में घर के लोग आते थे यहाँ से, वो लेडीज आती थी और मुझे याद है वहां घर पे रहती थी तब मेरे वालिद साहब जिंदा थे, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। फिर हालात कुछ ऐसे हो गए, मैं नहीं कहूंगा कि दूरियां हूं लेकिन ये था कि नजदीकियां भी नहीं, लेकिन आज जो मोहब्बत से जिस मोहब्बत से आप आ रहे हैं बखुदा बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा हम दिन में सवेरे पहले बारामूला में थे फिर यहाँ आए, तो बहरहाल दिवर के साथ मेरे वालदे मोहतरम के बड़े पुराने ताल्लुकात थे, बहुत आना जाना था जब हम छोटे होते थे तो यहाँ से काफी बुजुर्ग लोग बाकी वहाँ घर में आना जाना होता था, तो बहुत एक अपनापन लगा। तब्दीली आ रही है 100% मुझे तो लग रहा है, अल्लाह करे ही वही सच हो। सदा साहब ने पहले भी कहा था कि पीएचडी की नीयत साफ नहीं है लेकिन आप वो टूट फूट की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या देखिए अल्लाह ताला का लाख कर्म है कि जल्द ही इलेक्शन से पहले ही जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी तस्दीक कि वो एक सही डिसीजन था कि ये लोग वहाँ एटलीस्ट कश्मीरियों के लिए नहीं बैठे थे, ये लोग एटलीस्ट 370 के लिए नहीं बैठे थे, वरना आप भी मुझे बता दें क्या था अगर उमर साहब देते एक सीट, ये कौन सी बड़ी बात थी। और मैं देखो आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनीबडी, लेकिन उमर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो एरोगेंस वो दिखाते हैं कि मैं पहले नंबर पर आया, उमर साहब को पता होनी चाहिए कि 15 या 16 लाख वोट में से उसने 40,000 लिए हैं, वो भी कोई बड़ी तोप नहीं थी उमर साहब, उसने भी 40,000 वोट लिए हैं और शायद मैडम ने कोई 5,000-8,000 उसे कम लिए थे, तो जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं तो मेरा दिल किया बोलने का, तो इसलिए बोल दिया कि उतनी बड़ी तोप वो भी नहीं है, वो उस इलेक्शन में जीते हैं जिसमें 95% लोगों ने बायकॉट किया था, तो वो शर्म की बात है, उसमें कोई फकर की बात नहीं। आपने भी कहा कि तकरीर में भी कुछ लोग सियासी पार्टियां जो कश्मीर की तबाही के लिए खास तौर से, बिल्कुल मैं आपको देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आप ये बताएं कि रोज वो बयान यहां देते 370 पर उस पर इस पर, लेकिन हमने 3 MP इनके भेजे थे वहां पार्लियामेंट, वहां क्यों नहीं बात करते, बात तो वहां करनी है, वहां जब हमने आरटीआई किया तो इन्हें तो सवाल ही नहीं पूछे हैं, तीनों ने मिलकर पता नहीं 15 या 20 सवाल पूछे हैं 4 साल में 5 साल में। सो द क्वेश्चन दैट दे हैव टू आंसर इज दैट जहां बात करनी चाहिए वहां करते नहीं है, जहां कोई जरूरत नहीं है लोगों में वहां करते हैं, मीन सब ड्रामा है दिखावा है, लोगों के सामने बात करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में, जहां मैटर करती है कोई बात वहां चुप करके बैठे। आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक शानदार जीत दर्ज करती है? मुझे लगता है इंशाल्लाह, अल्लाह करे, पूरा लगता है और अल्लाह करे, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि एक मौका अगर मिले, वकालत क्या होती है वो पूरी कौम देखनी चाहिए, कौम को फख्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। बाकी सियासी जमातें आपकी तरह इतनी मुतहरक नहीं है सियासी एतबार से, और क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का भी अभी किसी भी सियासी जमात ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, अगर अगले अभी तक वो मांगते हैं हर दिन, जब भी उनसे मीडिया उनके पास आती है दो दो दिन मांगते हैं, तो उस पर आपका टेक क्या है? नहीं, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लड़े हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप शुक्रिया।